हाय गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट ब्यूटी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी माय करंट फेवरेट प्रोडक्ट्स, जो कि आजकल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं एंड लिटरली मुझे इनसे सच में प्यार हो गया है। एंड मेरे नेल्स को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि वो टूट चुका है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि आजकल मुझे इनसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, कह लो ऐसा कि प्यार हो गया है, तो वो है ये लैक्मे का लूमी क्रीम। वाकई में ये बहुत ज़्यादा प्यारा प्रोडक्ट है एंड इसका कंपैरिजन आज के टाइम में ना स्ट्रोब क्रीम से, जो मैक का स्ट्रोब क्रीम आता है उससे हो रहा है। समझ रहे हो कितना डिफरेंस है दोनों के प्राइस में? बट काम दोनों का सेम ही है एंड ये इतना ज़्यादा लाइट वेट है, इतना आसानी से आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड इसे यूज़ करने के बाद ना बहुत ही स्मूथ एंड आपका फेस शाइनी दिखने लगता है, मक्खन की तरह आपके स्किन को ये बना देता है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया ये प्रोडक्ट एंड इस तरह का कुछ इसका पैकेजिंग आता है एंड इसका प्राइस है 299, बट इस पर हमेशा डिस्काउंट रहता है तो ये आपको 250 पे मिल जाएगा। तो रिकमेंड करूँगी, ज़रूर परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट है ये एक्वालॉजिका का हाइड्रेट रिफ्रेश टोनिंग मिस्ट। अमेजिंग प्रोडक्ट है ये गाइस एंड मुझे बहुत टाइम लग गया इसे रियलाइज़ करने में कि इसके बेनिफिट क्या क्या हैं। एंड जब ये मेरा बॉटल ख़त्म हो रहा था तो मुझे पता चला कि मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हो गई है, बेहतर हो गई है पहले से। एंड ये मेरा सेकेंड बॉटल है, मैंने इसे रीस्टॉक किया है। लिटरली ये मिस्ट, आई मीन फेस मिस्ट बहुत पसंद आया मुझे एंड इसमें कोकोनट वाटर है, तो कोकोनट वाटर हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है एंड ये आपकी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है एंड आपकी ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है, क्लियर स्किन आपका बनाता है। एंड इस तरह का कुछ इसका पैकेजिंग है, ग्रीन एंड वाइट कैप के साथ एंड ट्रांसपेरेंट बॉटल है इसका, जिससे आप अपने प्रोडक्ट देख सकते हो एंड काफ़ी अच्छी क्वांटिटी भी आपको मिल जाती है। और मैं इसे 100% रेकमेंड करूँगी कि आप फेस मिस्ट कुछ अच्छा सा देख रहे हो तो इसे ट्राई करो। नेक्स्ट है ये मेरा द डर्माको का 1% हाइलोरोनिक एसिड एक्वा जेल सनस्क्रीन। एंड इस टाइम मैं इसको छोड़ के कोई और सनस्क्रीन कभी भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे इतना पसंद आ रहा है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है एंड इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है एंड इसकी टेक्सचर देखो गाइस कितना ज़्यादा लाइट वेट है, आसानी से आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई भी वाइट कास्ट नहीं आता इसे यूज़ करने पे। एंड मेरा तो स्पेशली ऑयली स्किन है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है सनस्क्रीन डिसाइड करने में कि मैं कौन सा लूँ कौन सा नहीं, बट ये ऑसम है, बिल्कुल भी ऑयल प्रोवाइड नहीं करता एंड मैं इस सनस्क्रीन को 100 out of 100 देती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा आज के टाइम में पसंद आ रहा है। एंड इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, 50 ग्राम आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाती है एंड प्राइस है इसका 449, बट ये आपको हमेशा मतलब कुछ ना कुछ इस पर डिस्काउंट होता है, पर्पल पे देख लो, नायका पे देख लो, तो कुछ ना कुछ आसानी से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट की मैं बात करती हूँ, वो है ये बॉडी मिस्ट, प्लम का बॉडी लविन मिस्ट हवाई रूम्बा। पहले मैंने और भी वेरिएंट का इसमें का बॉडी मिस्ट ट्राई किया हुआ है बट मैंने ये नहीं ट्राई किया हुआ था हवाई रूम्बा, लेकिन इसे यूज करने के बाद ना इतना अच्छा फील होता है ना मेरे को कि मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मतलब बहुत ही अच्छा ये बॉडी मिस्ट है, मैं आपको 100% रिकमेंड करती हूँ कि अगर कुछ आप अच्छा बॉडी मिस्ट ट्राई करना चाहते हो तो प्लम का बॉडी मिस्ट आप ट्राई कर सकते हो एंड ये आज के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, सो मैं इसे 100% आपको रिकमेंड करती हूँ। एंड इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से आती है, बॉटल है प्लास्टिक का बॉटल है एंड ट्रांसपेरेंट है, जिससे आप अपनी क्वांटिटी को अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट है ये के ब्यूटी का ब्लश। ओ माय गॉड, जितना तारीफ करूँ इसका बहुत कम है एंड लिटरली मुझे इस प्रोडक्ट से ना प्यार हो गया है। एंड बहुत सारा ब्लश ट्राई किया है बट इतना प्यारा ब्लश मुझे आज तक कोई नहीं मिला। मैंने बहुत सारा क्रीम ब्लश पाउडर ब्लश ट्राई किया लेकिन इतना प्यारा, ओह माय गॉड, इसका टेक्सचर देखो इतना क्रीमी बटरी, लाइक आपने कोई मक्खन या मलाई आपने अपने फेस पे ब्लेंड कर लिया हो ब्लश की जगह पे, ऐसा फील आता है। अगर आप लोग कुछ अच्छा ब्लश लेना चाहते हो ना तो प्लीज़ इनमें आप इन्वेस्ट करो एक टाइम और प्लीज़ इसे बाय करो, मैं इसे 100% रिकमेंड करती हूँ। लिटरली जैसे मुझे इससे प्यार हो गया ना, पक्का आपको भी हो जाएगा अगर आपको क्रीम प्रोडक्ट पसंद आते हैं तो।
नेक्स्ट मैं बात करती हूँ लिपस्टिक की। ये है मैबलिन न्यूयॉर्क का सुपर स्टे मैक लिपस्टिक। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब सच में इतना प्यारा ये शेड मेरे पे आजकल लग रहा है ना। एंड इतना ज़्यादा आजकल मैं ये यूज़ करने लगी हूँ, अप्लाई करती हूँ, मैं डेली अप्लाई करने लगी हूँ आज के टाइम में इसे। एंड मैं सोचती कि मुझे पहले ये शेड क्यों नहीं मिला इस ब्रांड का। और सारे ब्रांड में मैंने ट्राई किए हैं बट उतना मुझे नहीं मतलब अच्छा लगा, बट ये वाला लिपस्टिक ऑसम है, ऑसम। एंड काफ़ी अच्छी इसमें आपको क्वांटिटी भी मिल जाती है, सो डोंट वरी, बहुत दिन तक यूज़ करने वाले हो आप इसे। तो ये था मेरा करंट फेवरेट प्रोडक्ट्स जो कि आजकल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। लिंक आपको सारे प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर भी करना वीडियो को।